अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी बननी है, बोले जिसने 1 लाख दे दिया उसको किराए पे दे दो, 90 हजार वाले को भगा दो। तो पुलिस ये तो गलत काम कर ही रही है। पुलिस ने बड़ा अच्छा धंधा निकाल लिया है सर। FIR करेंगे तो क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, बैठ जाओ उसके ऊपर। हाउ दैट इज पॉसिबल? ये तो बहुत अच्छा हो गया सर। किसी को भी ब्लैंक क्लीन चिट देनी है, एक उसको कहो कि साहब अभी हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, FIR नहीं करेंगे, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके कह देंगे सब ईमानदार, कुछ नहीं बनता है, और अपना सो जाएंगे उसके। अरे यार इतना विश्वास है अपने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो फिर आप कानून क्यों नहीं फॉलो कर रहे? 2018 में जब SP अशोक नगर आके वो पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा हो गया कि AIFR और AIR नहीं चल सकती हैं, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी बैठे हैं ब्लैक केस के ऊपर। जी सर, दिस पिटीशन इज फॉर क्वेश्चन ऑफ कंप्लेंट एज वेल एज 156(3). जी सर, इसमें कंप्लेंट क्या कहती है? अभी FIR हुई कि नहीं? इसमें लॉर्ड से उन्होंने पहले कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद लॉर्ड से इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि इनकी कंप्लेंट कुछ नहीं है, तो कोर्ट ने एक जजमेंट के बेस पे कि यदि कॉलरेजेबल ऑफेंस है तो FIR शुड बी रजिस्टर्ड, तो ऐसा डायरेक्शन दिया। वो ऑर्डर है पेज नंबर 15 पे, उसके कंप्लायंस में फिर इन्होंने कंप्लेंट की, FIR पुलिस ने रजिस्टर की, पुलिस ने FIR रजिस्टर की, उसके बाद उन्होंने ये पाया कि नो फॉलिज एन ऑफेंस इज बेड आउट। हुआ ये एक्चुअली कि ये जो पूरे 10 पिटिशनर्स हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ सिंधी कम्युनिटी एंड दे आर द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन वो जो उन्होंने बनाया हुआ है उसका, और जो कंप्लेनेंट है इज आल्सो बिलोंग्स टू सेम कम्युनिटी। अब उसके बाद लॉ से जो जाँच हुई, FGFR ने जाँच की, जाँच करने के बाद पाया कि अपराध नहीं बनता। फिर उसके बाद उसने एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने उसको देखा, सब कुछ किया और पाया गया ये फाइंडिंग रिकॉर्ड की उन्होंने कि कॉग्निजेंट ऑफेंस नहीं है, A5 है लॉ से 11 पेज नंबर 117 ये उन्होंने पाया है। मैं थोड़ा सा पढ़ के बता रहा था 117 लॉ से एज वेल एज लॉ से उन्होंने ये भी पाया कि वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो है उसके तहत, चूंकि ये मामला इन लोग का आपस का सोसाइटी का है इसलिए इनको वहाँ जाना चाहिए, ये कहते हुए और ये कहते हुए ये मतलब फाइंडिंग रिकॉर्ड किए लॉ से, जिसमें दर्शित होता है कि संधि समाज कल्याण समिति व उसके पदाधिकारी द्वारा आवेदक के विरुद्ध व्यक्तिगत हैसियत से कोई संज्ञेय अपराध किया गया हो, तो ये उन्होंने दे दी कि ऐसा प्रकट नहीं होता है। अब इसके बाद इसकी रिविजन हुई लॉ से, रिविजन में उन्होंने रिविजनल कोर्ट ने ऑर्डर सेट असाइड कर दिया, इस पॉइंट पे कर दिया कि जो इन्होंने सोसाइटी के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि वो जो कि कॉग्निजेंस नहीं ले सकते और वो वहाँ जाना चाहिए, तो उसको करते हुए उन्होंने उसको कर दिया। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने वो सेम मटेरियल पे तो पहले था उस पर उन्होंने फिर कॉग्निजेंस ले लिए, ये केस है लॉ से। अब इसमें हाईकोर्ट में भी उसने डायरेक्ट पिटीशन की थी, हाईकोर्ट में भी आपके पास ये पिटीशन आई थी, आपने उसमें डायरेक्शन दिए थे, डायरेक्शन दिए ये IA के साथ पेश किया हम लोग ने, मैंने जो यहाँ आके उसने पिटीशन में मांगा था IA 5805/2024 ये मैंने पेश किया, उसके साथ वो ऑर्डर पेश किया, पहले सिंधी समाज का था उसी में इन्होंने ये जो रिस्पोंडेंट थे सेम वही चीज थी, उनका कहना था हमने क्या किया था। जी जी आपने भोपाल को डायरेक्शन दे दिए, क्या डायरेक्शन दे दिए ये लॉसिप पेज नंबर में एप्लीकेशन निकालना है, वेदर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27/28 ऑफ द मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम वास डेलिबरेट और नॉट, वेदर द पिटिशनर सोसाइटी हैज रिसीव एनी सांसद निधि और नॉट, ये क्वेश्चन भी आपने रेफर किया और ये ही इसमें कंप्लेन में भी है उसने, और इसके बारे में कोर्ट उन्होंने जो पुलिस ने इंक्वायरी की थी उसमें पाया कि इनका कोई रोल ही नहीं था, सांसद निधि का कलेक्टर के मार्फत से पैसा जाता था और कॉम्प्लेक्स बन चुका है ये है, तो आपने इसमें भी लिया। फिर तीसरा क्वेश्चन, वेदर पिटिशनर सोसाइटी हैज कंस्ट्रक्टेड एनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और नॉट एंड इफ सो वेदर इट वाज अलॉटेड और ट्रांसफर्ड अमंग द ऑफिस बेयरर्स मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और यही चार्ज हमारे ऊपर इसमें भी 156(3) में भी चल रहा है, जिसमें पहली बार कोर्ट ने पाया कि नहीं, पुलिस ने पाया कि नहीं, जो कॉम्प्लेक्स बना है वो भी समाज के हित के लिए बना है और उसमें समाज में जितने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया था उनको किराए पे दे दिया गया, वो किराए पे चला रहे हैं,
बकायदा मेंशन। अच्छा, जिसने ज्यादा डोनेशन दिया वो उसको किराए पे दे दिया? समाज के लोग, दीगर लोगों को नहीं दिया, बाहर के। हाँ हाँ, समाज के लोगों को। मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी बनी है, 1 लाख जिसने दे दिया वो किराए पे दे दिया। उसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए दिए थे उन लोगों ने। चार चार पाँच पाँच लाख रुपए। और जिसने 50,000 दिए थे वो घर बैठे? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं था। तो ये वैसा नहीं, तो ये कौन सा तरीका निकला? नहीं मतलब ये जो समाज के ही लोग थे जो सब... अरे यार, समाज के लोग थे तो ठीक है, सवाल इस बात का है कि साहब जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको किराए पे दे। उसमें सर इंटेंशन चीटिंग का नहीं है, इंटेंशन का सवाल नहीं है, सवाल है कि सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। नहीं, सोसाइटी की प्रॉपर्टी वो तो बनाई तो समाज के लोगों ने मिल के थी, सोसाइटी को दान दे दी। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं कि हमने जब दान दे दी तो कहानी खत्म, आपके सोसाइटी के लोगों के अधिकार खत्म। लेकिन सर हमने ऐसा नहीं है कि हमने कोई पर्सनल गेन किया हो। हमें नहीं मालूम सर, ये जो चार्जेस लगाए 424G, हमें नहीं मालूम है। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी बननी है, बोले जिसने 1 लाख दे दिया उसको किराए पे दे दो, 90,000 वाले को भगा दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर ये जो इन्होंने पूरा पुलिस ने 160, अरे पुलिस छोड़ो, आपका जो आर्गुमेंट उस पर जवाब दो। हाँ, तो कैसे? उसी के संबंध में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अच्छा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हम पे बाइंडिंग है, चलिए आगे। नहीं नहीं, बाइंडिंग नहीं सर। फिर आगे? नहीं नहीं नहीं, बाइंडिंग गलत नहीं बोलता, बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद फिर रिविजन में लौट से फिर उन्होंने रिमांड किया, रिमांड करने के बाद कोर्ट ने उसी मटेरियल पे फिर से कॉग्निजेंस ले लिया। रिविजनल कोर्ट का ऑर्डर कौन सा है? रिविजनल कोर्ट का ऑर्डर है लौट से पेज नंबर 156A6, उन्हें विचार करें। ये है, हाँ, दोबारा गवाही कराएं, ये कराएं, वो थोड़े है। नहीं नहीं, वो नहीं, उसका नहीं है, नेचुरल रीअप्रिसिएशन है। उन्हें आप उसका वो करें, उन्होंने फिर दोबारा रीअप्रिसिएट किया और उसको कर दिया नोटिस। अब उसमें ये उन्होंने लिखा है धारा 200 जैसा भी, 156(3) अथवा धारा 200 जैसा भी विचारणा न्यायालय उचित पाता है विधि अनुसार कार्रवाई करे। उसने कर दिया। हाँ, तो मेरा ये कहना सर, जो पहले जो इनके पास एविडेंस था, जो मटेरियल था, मटेरियल पे गया। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस लॉसिप, इसमें देखेंगे आप तो इस आदमी की जो कंप्लेन सबसे पहली वाली थी लॉसिप, पेज नंबर 90 देखें, पेज नंबर 90। तो आप क्या चाहते हैं, रिविजनल कोर्ट को भेज दें वापस? तुम्हें डिसाइड कर दो, रिमांड नहीं करना। ज्यादा ज्यादा हम तो यही कहेंगे रिमांड मत करो भैया, वापस। वैसे क्योंकि उन्होंने वन साइड ही कर दिया। वन साइड मतलब आपको नोटिस नहीं दिया था क्या? नहीं नहीं, वन साइड मतलब ये कह दिया कि रिमांड करके उसको सिर्फ एक सिमिलर पॉइंट पे। लेकिन वो जो कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये पाया था कि संज्ञेय अपराध भी बनना प्रतीत नहीं होता है। अरे सर, जब वो सेट असाइड हो गया तो हो गया, हो गया पूरा एंटायर ऑर्डर। हां, उसको क्या करेंगे? वैसा रिमांड कर दें सर। क्या रिमांड कर दें जैसा आप कह रहे हैं? तो आप तो पहले उसका जस्टिफाई करो ना, क्या रीजन क्या लिखे हैं? क्योंकि इसमें रीजन सर इन्होंने जो अभी, अरे भाई साहब, रिविजनल कोर्ट का पावर बताओ ना, उसके हिसाब से हम रिमांड करेंगे अगर आप कहोगे तो। अब वो इंटरलोकेटरी नेचर का होता है, रीजन लिया तो इंटरमीडिएट, नॉट इंटरलोकेटरी, इंटरमीडिएट होता है सर। और जो आपने ऑर्डर किया सर WB में, उसकी अपील अभी वहाँ चल रही, वहाँ मैटर पेंडिंग। शर्मा जी, तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पे कोई पूरी बातें बताता नहीं है। तो अगर हम बोल दें कि आपने सप्रेस किया तो लड़ने लग जाते हैं हम सर। आप नहीं जी, नहीं मैंने तो पेश किया उसके लिए, नहीं सप्रेस नहीं। सर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पीठ पीछे हमने आपकी क्या तारीफ की जी, सर, सर, तो सर, सुना हो, कोई किसने सुना हो तो बता दो। नहीं 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 सर, आपके जूनियर से बोला था। हाँ सर, मेरे से बोला था, मेरे को बताया था उसने, बताया था ना जी। फिर आपने इसी में सर ये जो ऑर्डर किया था हाई कोर्ट WB में, फिर उसने रिव्यू लगाई, ये उसका भी ऑर्डर लगा, तो रिव्यू भी आपने खारिज कर दी। वो तो एक अलग चीज हो गई ना सर, सेपरेट है, वो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में चल रहा है। हाँ, लेकिन इशू वहाँ भी सेम ही है। अब आप मुझे ये बताइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अगर रजिस्टर्ड केस चल रहा है तो क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, बस इस पे बहस करो फिर। पैरेलल प्रोसीडिंग तो सर बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल सकती है, जब सिविल सूट और क्रिमिनल केस दोनों चल सकते हैं तो वो भी चल सकता है। अगर हमें ऐसा होगा तो हमारा डिफेंस तो ओपन हो जाएगा, वहां पर जाके देंगे। हमें नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है सर, इट कैन बी, बस कहानी खत्म। बोथ कैन आई एम आई विल नॉट सप्रेस, लॉ इज वेरी क्लियर। तो आपको क्या लगता है कि आपके जूनियर को आपको जबरदस्ती खुश करने के लिए बोला? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं।
आपको क्या लगता है? नहीं नहीं हम डरते हैं नहीं सर। तो मेरा निवेदन इसमें यही था सर, शर्मा जी, शर्मा जी जब हम ओपनली किसी को बोलते हैं कि यार ऐसे मत करो, तो ओपनली भी बोलते हैं कि ऐसा ही कर, बोलते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, राइट? हमारे यहाँ से आपके रेपुटेशन के करके रिलीफ नहीं मिलेगी, केस के हिसाब से मिलेगी, पर रिकॉग्निशन तो मिलता है ना, अच्छा नहीं लगता है क्या? जब कोई जज इस बात के हो आंख बंद करके विश्वास कर ले सब्जेक्ट टू आर्गुमेंट्स बाय द काउंटर पार्ट, इट्स माय प्रिविलेज आल्सो। अगर कोई जज इस बात पे आंख बंद करके विश्वास करे सब्जेक्ट टू आर्गुमेंट्स बाय द काउंटर पार्ट कि यार इसको वेरीफाई करने की अभी जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं इन्होंने पक्का सही कह रहे होंगे, दैट इज अ रेपुटेशन विच कैन बी अर्न विद ग्रेट डिफिकल्टी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट। एक बार आप हाइट पे पहुंच तो जाएंगे, फिर तो एडिशनल प्रेशर आ जाता है कि कहीं से भी गलती ना हो जाए। बहुत प्रेशर रहता होता है सर, इट इज वेरी इजी टू क्लाइम पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे। एक बार सप्रेस करके, दो बार सप्रेस करके, तीन बार करके हम रिलीव ले लेंगे, लेकिन हमको यही सरवाइव करना है तो नहीं कर पाएंगे। सवाल इस बात का है कि आप एवरेस्ट पे चढ़ तो जाओगे, पर हम पढ़ रहे थे कि वहाँ पे मैक्सिमम स्टे करने का पीरियड सिर्फ 10 मिनट है, यू हैव टू कम डाउन। आई अंडरस्टैंड, तो आपको रेपुटेशन अर्न करना बड़ा इजी है, पर फिर उसके ऊपर उसको मेंटेन करना, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कि आपके लिए बेंचमार्क कोर्ट का इतना हाई हो गया है कि वो जोन ऑफ एरर बहुत छोटा रह जाता है। अगर हमारा आपका बेंचमार्क आपके लिए 30% हो तो आप 70% में गेम खेल सकते हो, अगर आपका बेंचमार्क ही 90% पे चला गया। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे रेपुटेशन अर्न करना बहुत जरूरी है, उसको फिर मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा टफ हो जाता है। और एक अच्छा लॉयर 10 बार पढ़ता है, उससे क्या होता है कि एक ही लाइन को बार बार पढ़ने से वो कई कई एंगलों से समझ में आ जाता है। यू कैन डेवलप योर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, हम लोग भी इस प्रेशर से सब गुजरे हैं, ऐसा थोड़े है। तो मेरा ये कहना था डॉक्टर कि इसने जो सबसे पहले इनिशियल रिपोर्ट डाली लगाई थी, जो उसकी फर्स्ट FIR थी, वो डॉक्टर पेज नंबर 90 पे लगी है, ये देखें पहले हाउ ही हैज इंप्रूव्ड द एलिगेशन डे टू डे। 90 पेज नंबर 90 90 जी सर, ये देखें सर पेज नंबर 90। जी बिल्कुल, जनरल और वेग एलिगेशन। अब इसमें पहला जो रिपोर्ट है लॉसिप, जिसका पहला जो एलिगेशन था उसका ये कहना था कि सांसद निधि से लाखों रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ, इस नाते कलेक्टर बालाघाट को प्रतिवर्ष आय व्यय का बुरा CA द्वारा करना अनिवार्य है, जिसे समिति द्वारा आज तक नहीं किया गया है। अच्छा सर, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब हुई जी, इसके बाद पुलिस उसको रख के अपने पास बैठ जाएगी कि या सबमिट करना चाहिए था मजिस्ट्रेट को? अब सबमिट करने पे मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? यदि सबमिट करता तो या तो पुलिस रिपोर्ट एक्सेप्ट करते या फिर कॉग्निजेंस लेते, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते, या फिर तो ये उससे पहले तो कंप्लेनेंट को मौका मिलता ना उसको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, जब ये कुछ किया ही नहीं इन्होंने, ये तो चुपचाप बैठ गए रख के। नहीं, ये इन्होंने जो रिपोर्ट थी ये मजिस्ट्रेट क्या फाइल की, ये इससे प्रतीत नहीं होता मजिस्ट्रेट यहाँ से, मतलब जो डॉक्यूमेंट है कि ये वहाँ पेश की जाए, तो अपने पास रख के इन्होंने सिर्फ ये किया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसकी हमने कंप्लायंस की, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन इसका जो जिस्ट है सर, अरे मेरे भाई ये बताओ कि जब उनको मजिस्ट्रेट ने फाइल करना ही है और उसका जुडिशियल स्क्रूटनी करनी है, अगर ये कुछ भी लिख के अपने पास रख रहेंगे तो हम क्या करें उसके लिए? हाँ, वो तो प्रोसीजर इज नॉट प्रॉपर। हाँ, तो हम इसको तो देख ही नहीं सकते ना, इट इज मेयरली एन ओपिनियन ऑफ एन आईओ। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा अभी नहीं देख सकते, इसी रिपोर्ट को कंसीडर किया मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर में। किसने किया? कॉग्निजेंस टेकन ले रहे हैं, उसको राय नहीं किया, यही मेरा कहने का। दिखाइए वो कौन सा ऑर्डर है, मतलब इसके बाद इसने जो 156 की रिपोर्ट लिखाई लॉटरी। नहीं, वो इम्प्योर ऑर्डर कौन सा है सर, आप कहते हो?
इम्प्यून ऑर्डर और से जो कॉग्निजेंस टेकन का है एक सौ तैंतीस नंबर पेज में 133। ये इन्होंने 10/5/2022 को 156(3) में एप्लीकेशन फिर मूव की वहां ये 133 वाला वो था लॉर्डशिप जो कि उन्होंने एक बार ये रिजेक्ट कर दी। इस प्रकार संपूर्ण विवेचना के आधार पर इस न्यायालय के मत में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु कोई आधार दर्शित नहीं होता है। देखिए 21/6/2023 को 156(3) के लिए भेज दिया है इन्होंने। हाँ 156(3) में फिर इन्होंने फाइंडिंग रिकॉर्ड कर दी, नहीं बनता फिर उसकी रिविजन की। किसने फाइंडिंग रिकॉर्ड की? ये मजिस्ट्रेट साहब ने पेज नंबर 125 में 156(3) में जब चला गया था तो पुलिस ने क्या किया सर? FIR रजिस्टर की किया। जस्ट मिनिस्टर क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के कुछ कर नहीं सकते। 156(3) में इन्वेस्टिगेशन वर्ड है एंड इन्वेस्टिगेशन विल स्टार्ट फ्रॉम FIR अंडर 154। हाँ इसका जो 156(3) का जो उसने 156(3) रेज वर्ड सेक्शन 200 का लगाया था ये 6/8/2022 की ऑर्डर सीट है उसमें कोर्ट ने इसमें लिख दिया कि सीधे आदेश है तू 156(3) का 133 नंबर पेज पे स्टार्ट हो रहा है ना? नहीं नहीं 100 ये स्टार्ट हो रहा है 118 से 118 ऑर्डर सीट। एक सेकंड सर ये कंप्लेंट पेश हुई डॉक्टर। ठीक है फिर इस पे क्या फिर आगे चला तो पंजीयन पत्र के तू परिवार जी की ओर से पंजीयन पत्र के तू समय समय इन्होंने 156(3) खारिज करके कहा कि हम 200 पे जाएंगे। वो भी नहीं किया सर। अरे है ना कहा इसमें नहीं है पेज नंबर 125। हाँ वो 125 में नीचे कर दिया उन्होंने 156(3) खारिज किया जाता है। अब ये ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया रिवीजन कोर्ट ने। रिवीजन कोर्ट ने उस पॉइंट पे कह दिया कि जो इन्होंने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के ग्राउंड पे भी लिया कंसीडर किया है और कॉन्फिडेंस नहीं लिया तो वो गलत है। ठीक है अब लेकिन इनकी एक बार अब चूंकि वो मर्ज हो गया ऑर्डर उसी में अब उसके बाद फिर रिमांड हुआ। रिमांड होने के बाद ये आया लॉर्डशिप ऑर्डर सीट लिखी गई पेज नंबर 127। अब इनिशियल स्टेज में आ गया। अब ये चलता रहा लॉर्डशिप आवेदन पर तर्क हेतु और उसके बाद फिर 21/6/23 को कोर्ट ने सीधे ना तो रिपोर्ट बनाई। नहीं सर कहाँ है रिपोर्ट का जी? देखिए तो सही ना आखिरी ऑपरेटिव पार्ट देखते हैं। नहीं 156(3) में तर्क ऑर्डर किया जो हाँ 156(3) अलाउ कर दिए। हाँ उसको अलाउ कर दी मतलब वो मेरे इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट वगैरह नहीं बुलाई। कोई जरूरत नहीं कैसे बुला सकता है अब इस हाँ अब इसमें सर जो कोर्ट ने कंसीडर किया जो मैं आपको बता एक सेकंड अब आप मुझे ये बताइए कि कोई गवाही वगैरह हुई थी कि नहीं? नहीं कोई गवाही नहीं। ठीक है 156(3) ठीक है 156(3) से पहले कौन सी रिपोर्ट बुलवाएगा सर? 156(3) से पहले कौन सी रिपोर्ट बुलवाएगा? नहीं उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं बुलाई उन्होंने सीधे कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस नहीं लिया मेरे भाई 156(3) अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो 156(3) लग ही नहीं सकता फिर। अब ये सर इसमें ऑर्डर लिखा है आप देखिए जो इम्प्यून ऑर्डर है 156(3) अलाउ हुआ है बस कॉग्निजेंस कहाँ लिखा है सर? ये लिखा है देख लीजिए स्वीकार किया जाता है 156(3) स्वीकार किया जाता है। हाँ और ये लिखा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नेचुरल उसके बाद FIR उसके बाद ये किया उन्होंने मतलब उससे पहले ऑर्गेनाइजर तो ये ही नहीं हाँ मतलब डायरेक्शन दिया FIR के लिए। अब इसके बाद लॉर्डशिप जो लेकिन जो इन्होंने मटेरियल कंसीडर किया लॉर्डशिप इन्होंने बोला कि 420 467 468 और 406 का बनता है अपराध इसके लिए तो प्राइम फसाई है नहीं। अब इसमें देखें आप सर ये जो मैं आपसे बोल रहा था कि वो जो पुलिस ने रिपोर्ट पर आप देखिए आपका पहला ही स्टेटमेंट बड़ा गड़बड़ हो गया था। नहीं नहीं जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको किराए पे दे दिया
पेज नंबर 151 देखें सर, ये इम्प्यून आ रहा था। देखिए सर, वहीं पे आके सारी गेम खत्म हो गई थी। नहीं सर वैसा नहीं, जब आपने कहा जिसने ज्यादा करा, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको किराए पे दे दी, जिसने कम दिया उसको सर, मैंने आपसे सबसे पहले ही बोला था क्या आई विल नॉट टेल लाए, पर वही मैं कह रहा हूँ कहानी वहीं पे खत्म। हाँ कहानी वहीं पे खत्म, हमको बताया गया वो हमने कहा सर, कहानी वहीं पे खत्म हो गई थी। उसमें सर आप जो बोल रहे थे कि वो कहाँ उन्होंने पुलिस रिपोर्ट को कंसीडर किया इम्प्यून ऑर्डर में, वो पेज नंबर 151 देखे सर। सेकंड पैराग्राफ मतलब ये नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि जो असंज्ञेय अपराध होने का था उसके खिलाफ आईजी को जब कहा तो आईजी ने उसमें विस्तृत जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है, जबकि अभी तक एसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। तो इतना ही लिखा, बस और क्या लिखा। नहीं उसके ऊपर वाली लाइन में सर देख लो उसमें ऊपर वाली उक्त संघीय अपराधों के संबंध में आवेदक परिवादी द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना लांजी जिला बालाघाट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीवत करने हेतु आवेदन पत्र अनुलग्नक A2, ये इसने अपने कंप्लेन में भी उसके बारे में लिखा है, मतलब ही इज प्रोटेस्टिंग दैट रिपोर्ट। आप तो साहब ये बताओ कैसे रख सकता है बैठ के वो आपका आईओ? नहीं आईओ तो नहीं रख सकता, लेकिन तो पुलिस ये तो गलत काम कर ही रही है। लेकिन दैट रिपोर्ट हैज कम बिफोर द कोर्ट, फाइन, इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द कोर्ट। अब अगर कोर्ट या ये तो पालाशाह जी को फाइल करना चाहिए था साहब, ये मेरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, रिपोर्ट है, अब ये पकड़ो। पुलिस तो अपना, पुलिस ने बड़ा अच्छा धंधा निकाल लिया है सर, FIR करेंगे तो क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो, बैठ जाओ उसके ऊपर। हाउ दैट इज पॉसिबल, जब हाईकोर्ट ने कहा था टू कंसिडर व्हाई द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिड नॉट फाइल इट बिफोर द ट्रायल कोर्ट और बिफोर द कंसर्निंग मजिस्ट्रेट, उसको करना चाहिए था। जब वो नहीं किया था, इनको फिर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ गई, और अगर वो कंप्लेंट अगर वो फाइल करता था, प्रोटेस्ट पिटीशन लगाते और उसके बाद आगे काम होता, किया धरा तो सिर्फ सारा पालाशर जी के पक्षकार का है। इनको तो हम समझा समझा के परेशान आ गए कि भैया ERFR कुछ नहीं होता, यू डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू सिट ओवर योर ओन ऑफ ओपिनियंस, आपको लगता है ऑफेंस नहीं बनता है, पायलट बिफोर द मजिस्ट्रेट, देन द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये तो बहुत अच्छा हो गया सर, किसी को भी ब्लैंक क्लीन चिट देनी है, एक उसको कहो कि साहब अभी हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, FIR नहीं करेंगे, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके कह देंगे सब ईमानदार, कुछ नहीं बनता है, और अपना सो जाएंगे उसके ऊपर। This is what police is doing. अरे यार इतना विश्वास है अपने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो फिर आप कानून क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? पायलट बिफोर द मजिस्ट्रेट, क्या ऐसा होता है कि क्लोजर रिपोर्ट हमेशा ही खारिज होती है? नहीं, फिर सरकारी वकील भी अपना बताएगा कि सर यस सर वो एडवाइज ही नहीं करते, प्रॉपर एडवाइज नहीं मिलेगी पुलिस वाले, तो वहाँ SDOP भी है उनके ऊपर। अच्छा जो हम यहाँ पे जजमेंट कर रहे हो तो उनको पढ़ना नहीं है? 2018 में जब SP अशोक नगर आके वो पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा हो गया कि AFR और ER नहीं चल सकती हैं, तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी बैठे हैं लेके उसके ऊपर, अभी वैसे ही चल रहा है, इनकी मर्जी है ना, मैं क्या करूं? जब फंसता है तो हम ऑर्डर कर देते हैं, सरकारी वकील को बताना नहीं है क्योंकि उसको कोर्ट के ऑर्डर पढ़ना नहीं है, पुलिस को तो पढ़ना ही नहीं है। ऐसा मेरा नहीं, आपका कहना है। हाँ आप ही ने कहा था सरकारी वकील सजेस्ट नहीं करते हैं। तो आप कोर्ट की फाइंडिंग समझ नहीं सर। इसमें मेरा ये कहना था कि जो ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने का जो ऑर्डर किया है, कॉग्निजेंस नहीं लिया मेरे भाई, डायरेक्शन 156(3) का ऑर्डर किया है, और अगर 156(3) का ऑर्डर नहीं करता तो उसको 200 में गवाहियां करानी चाहिए थी, पिछला ऑर्डर भी उसने गलत किया था यार। अब इसमें सर एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अब इसमें वो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दीपक मिश्रा साहब का, क्या कि वो एफिडेविट होना चाहिए, प्रियंका श्रीवास्तव, हाँ प्रियंका, तो अब उसमें सर कंफ्यूजन ये कि एफिडेविट कैसा होना चाहिए? एफिडेविट का मतलब ये है कि सर उसमें प्रियंका श्रीवास्तव वाले केस में ये था कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक लोन ले लिया
और फिर उसके ऊपर इतने मुकदमे लगाए कि वो फिर आने पौने पौने दान में अफसरों ने कॉम्प्रोमाइज किया। इस जजमेंट में पूरा ये लिखा कि देयर शुड बी एफिडेविट, अदरवाइज। आप तो मुझे ये बताइए कि पुलिस जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट लेके बैठ कैसे सकती थी? एफिडेविट पे तो हम बाद में आएंगे, हम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। नहीं, वो तो नहीं बैठ सकती थी फिर, कहानी तो वहीं से गलत हुई है। तो ये मेरे इसलिए मैं बता, अरे भाई साहब, जब अगर ये इसको हम एफ आर को या ई आर को वो मांग ले और इनकी कंप्लेंट को प्रोटेस्ट पिटीशन मान ले, तो फिर क्या गलती है? नहीं तो प्रोटेस्ट पिटीशन इनको पेश करना चाहिए सर। तो पहले पुलिस तो फाइल करती, तब तो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल पेश करते। अब उन्होंने पेश नहीं किया तो फिर ये क्या करेंगे, इनके पास कंप्लेंट ही फाइल करते। अब इन्होंने जो कंप्लेंट पेश की उसमें ये जो पुलिस का खात्मा वाला प्रतिवेदन है वो लगा दिया। लगा दिया ना सर, हम इसको प्रोटेस्ट पिटीशन, हम इसको प्रोटेस्ट पिटीशन यदि ले रहे हैं लॉसिट, तो एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपका भी नहीं किया, इनका भी नहीं किया हुआ। यदि हम उसको प्रोटेस्ट पिटीशन ट्रीट करें, अरे भाई ना आपकी गलती है ना अग्रवाल साहब की गलती है। लेकिन बुजुर्ग 75-80 साल के लोग, बिल्कुल सही बात है। सवाल इस बात का है कि पुलिस को अपना ओपिनियन मिलाना चाहता हूँ सर, फैक्ट और लाना चाहता हूँ पुलिस को। मैन उसने अपनी कंप्लेन में भी लिखा है वाई अरे चल रहा होगा ना विवाद, इसने उसमें भी एडमिट किया कि इसी वजह से मेरे भाई चल रहा होगा, मान लिया, उससे क्या होगा सर? अब ये दूसरा ये व्हाट्सएप, ये जो सफर पैथ का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है प्रियंका श्रीवास्तव, आप तो पहले इसमें बताओ कि पुलिस ने फाइल क्यों नहीं किया। अब सर ये तो स्टेट स्टेट जाना है। अब वो कह रहे हैं हमको ट्रेनिंग में जाना है। हाँ, और ट्रेनिंग चल रही है, कुछ होना नहीं है उससे भी। लेकिन हमें क्या मालूम, कोई और आपको पड़ेगा फिर। कोई कमेंट नहीं सर, और किसी की काबिलियत के ऊपर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं सर। ये जो मतलब ये नया जो आया है इसको क्या इससे कर लेंगे, जब तक हम सेल्फ नहीं करेंगे कोई ट्रेनिंग। सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है, क्या गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है उसको इस तरीके से हम कर दें? नहीं कर सकते, वेस्ट ऑफ मनी है बस सरकार। कोई आप लोग जो भी सोचे, चलो देखता हूँ सर। जी सर, हेलो सर, इसमें सर दूसरा चीज ये जी बताएं कि ये इफ हमारा एक कहना और भी था सर, यदि इनकी कंप्लेंट एज इट इज मान ली जाए, 50-60 इज नो इंग्रेडिएंट सेक्शन 406। मैं वो मैं देखूं, वो मैं देखूंगा। हाँ सर, वो केयरफुली सर, क्योंकि बनते ही नहीं अपराध 420 और 406। आपका एक ही स्टेटमेंट तो मुकदमे में कर गया गड़बड़ी। अब वो तो जो सही था सर वो बताया मैंने, इसीलिए तो इसलिए हम ज्यादा पूछ ही नहीं रहे हैं। जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको हम किराए पे दे देंगे। हाउ इट कैन बी सर, कुछ जजमेंट लाया था वो देखिए। हाँ वो दे दीजिए। आई विल आल्सो बी साइटिंग सम जजमेंट्स। दे दो उसमें लिख देना यार कौन कौन सा उसमें है। जस्ट प्रिसाइजली 2 मिनट्स कैन बी गिवन टू मी। माय फर्स्ट ऑब्जेक्शन वुड बी रिगार्डिंग देयर लोकस टू फाइल दिस, बिकॉज मतलब एट द स्टेज ऑफ 156 इट इज बिटवीन ओनली द कोर्ट एंड द कंप्लेनेंट। So, Malos, they don't have locus. Honorable Court has already decided its matter in view of HDFC Securities, Malos. That Malos would be aware. As regards Malos... No, मुझे कुछ नहीं मानूं, आपको जजमेंट मैं देता हूं। जबरदस्त से मेरे कंधे पे वो नहीं सर, आप तो ही ऑर्डर पढ़ गई हमने सर, वो निकाला है आपका ऑनरेबल कोर्ट का ही ऑर्डर। तो क्या हो गया? जी जी, वो मैं दे देता हूँ लिख के सर। सेकेंड वुड बी सर, ऑन द फेस ऑफ इट मेनली 3-4 एलिगेशंस थे, वेदर फर्स्टली की ऑडिट जो किया था राइट फ्रॉम वो रिपोर्ट भी थी, मैंने पूरा मटेरियल लगाया था 156(3) में। नाउ देयर वाज स्पेसिफिक रिपोर्ट ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी टू द इफेक्ट मलोस देयर इज नो ऑडिट बीइंग डन। नाउ मलोस दैट वाज द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्शन एंड कंप्लेंट व्हिच आई अलेज्ड इन द 156(3). फर्दर इन्होंने आपस में ही प्रॉपर्टी को बेच दिया विदाउट द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार, व्हिच क्लियरली वायलेट्स सेक्शन 21। ये स्पेसिफिक एलिगेशंस एंड भजनलाल की कंटिंजेंसीज में इट वुड नॉट फॉल इनटू। As regards Priyanka Srivastava, which respected senior was trying to point out, Priyanka Srivastava सिर्फ इतने पॉइंट पे है कि 154 में आप गए कि नहीं, और 154(1) अगर पुलिस ने नहीं ली तो SP को आपने किया, तो whether he did he take anything or not.
दोस टू कॉन्टिजेंसीज अगर फुलफिल हो जाती हैं तो 156.3 मेरी सीधी सीधी मेंटेनेबल है सर। प्रियंका श्रीवास्तव फिर इस पॉइंट पे है सर, पैरा 31 विल वुड बी क्लियर। एंड लास्टली सर, ललिता कुमारी इज वेरी क्लियर, नाइसिटीज एंड फैक्चुअल करेक्टनेस इन दी एफआईआर वुड नॉट बी कंसिडर्ड, इट इज ओनली कि आपने क्या एलिगेशन है उसको देखा जाएगा सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, उसमें कुछ ऐड करें। अग्रवाल सर एक चीज बताओ, ये 2 फीट का जो डिस्टेंस है, why it makes so much of difference in the level of arguments? जो अभी आप ये कह रहे थे, मैं 2 दिन पहले आपको जब आप उस साइड खड़े थे मैं समझा समझा के थक गया था। नहीं नहीं सर, ये 2 मिनट 2 फीट का गैप इतना डिफरेंस कैसे ले आता है? मेरे सारे जब भी पिटिशनर साइड से आर्गुमेंट रखते हैं सब्जेक्ट टू ये रहता है कि ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष, मैं एक जनरल बस से पूछ रहा हूं, 2 फीट का गैप इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कैसे ले आता है? इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड अगर मैं वो डिफरेंस नहीं लाऊंगा। वो नहीं कहूंगा, वो नहीं कह रहा, मैं समझ गया ऑनरेबल कोर्ट की यही आर्गुमेंट अगर पिटिशनर साइड से ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट टाइम 3 दिन पहले वो ऑब्जर्व किया था, नहीं सर ऐसा नहीं कहा, नॉट एट ऑल, यू आर नॉट रेडी टू आंसर, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन यू हैड अ केस वेयर यू कुड हैव डेवलप्ड योर आर्गुमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट, और आपने वहीं शट डाउन कर दिया था, नहीं नहीं करूंगा। आपको मेरे ऑर्डर से समझ में आ गया होगा कहीं पे एक आधा ऐसा इशू था विच कुड हैव बीन आर्ग्यूड, और अगर आप मेरा पहले प्रश्न को सुन लेते तो मैं दूसरे तीसरे प्रश्न तक ले जाते आपको वहां तक ले जाता। मेरी आदत नहीं है कि डायरेक्ट बताने की, कारण क्या है कि जब तक आप उसको समझोगे नहीं यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोर्ट क्या सुनना चाह रहे है। हम आपसे 2-4 प्रश्न पूछ के उसको घुमा के जब वहां पे आपको लेके जाते हैं और इसी बीच में 2-3 प्रश्नों से आपको रेलिवेंसी समझ में आ जाती, देन यू वर इन अ बेटर पोजीशन टू डेवलप। नहीं वो रियलाइज किया था आफ्टर रीडिंग, उसमें मैंने एक जगह पे जाके छोड़ा है उसको, मैंने कहा जब इसका आंसर ही नहीं दिया तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं करता इसको। तो यही मेरा प्रश्न था कि 2 फीट का गैप जो है ये खाइया क्यों उत्पन्न कर देता है? जिससे यदि कोई फेवरेट कंप्लेंट पाई जाती है तो हम आपको प्रोसिक्यूट कर सके, लेकिन एफिडेविट का, लेकिन सर उसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में कि एफिडेविट किस नेचर का होना चाहिए। मैं उसको देखूंगा ना फिर से, हाँ इसने लिखा था, हमारा हमेशा ये कहना है फिर से स्पीकिंग वन फॉर्मेलिटी नहीं की 1 से लेकर 10 तक के पैसा भी एफिडेविट स्पीकिंग नहीं होते हैं, ऑर्डर स्पीकिंग होते हैं। एफिडेविट मतलब जो आपने कंप्लेंट में, आपने कभी देखा है बोलता हुआ शपथ पत्र? नहीं, जैसे आपने हिंदी में भी आदेश होता, आदेश होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने बोलता हुआ आदेश पारित करने का आदेश दिया है, तो इसलिए हम जैसे हम 18-4 में पेश करते हैं उस प्रकार का होना चाहिए मेरा ये कहने का। हाँ ऐसा बोलो ना, वैसा होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी भी जजमेंट को क्लियर नहीं किया है। चलो यदि आपने ये जजमेंट दिया है तो कम से कम किस नेचर का होना चाहिए वो एफिडेविट, ये अभी किसी भी, मैं उसको देखता हूँ ना, चलो इसको हार्ड रिजर्व फॉर जजमेंट। तो सबसिक्वेंट इवेंट्स और थे आफ्टर जेएमएससी का ऑर्डर, एक एफआईआर हो गई थी, सबसिक्वेंटली सर हम ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आए थे एक डब्ल्यूपी में जिसमें 173.8 के बेसिस पे ऑनरेबल कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि देयर हैज टू बी कंप्लीशन टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। कौन सा ऑर्डर है वो भी दे दो, वो भी मैं दे देता हूँ सर। इसके बाद सर हमने एनहांसमेंट के लिए ऑफेंसेस के लिए मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगाया था विच गॉट डिसमिस्ड, रिविजन में वो दैट ऑर्डर वॉज सेट असाइड बाई दी। एक सिनॉप्सिस बना के दे दो, इसके बाद वो भी बता दीजिए कि 300 पूरे समाज के लोगों के खिलाफ मारहाने का भी चला दिया, वो भी चला रहा था 300 लोग, तो क्या हो गया? अब उसमें भी कराना पड़ेगा सवाल इस बात का, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, सवाल इस बात का है, देखिए सवाल इस बात का है जो मैंने कहा ना, तो क्या हो गया अगर किसी आदमी के पास उसके विधिक अधिकार हैं और अगर वो विधिक अधिकारों का मिसयूज कर रहा है? नहीं नहीं, ये तो हम डिसाइड करने के बाद कहेंगे आप,
फाइलिंग को हम मिसयूज नहीं कह सकते, फाइलिंग इज नॉट मिसयूज, फाइंडिंग, वो तो हम फाइंडिंग देने के बाद कहेंगे कि मिसयूज है कि नहीं। ये भी कह रहे कि भजन लाल केस नहीं लगेगा, लगेगा उसमें जो वो तब देखेंगे ना, अगर कोई फाइल कर रहा है हाउ कैन आई स्टॉप देम। अब कंप्लेंट देखिए सर, मैंने देखा उसमें कई एक पैराग्राफ में उसने लिखा है बकायदा रीजन, चलो देखते हैं। चल रहा है जो समाज के लोगों से, उसका ये कहना है कि समाज के लोगों के द्वारा पहले कोई उनकी मदद नहीं की गई, तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंप्लेंट शुरू कर, क्या करोगे उस चीज। वेरी काइंड ऑब्लिगेशन।